तो लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से ही एनडीए को बंपर जीत के लिए बधाई मिल रही है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद जहां पीएम मोदी और बीजेपी के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वहीं ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये ईवीएम से छेड़छाड़ का नहीं बल्कि हिंदू दलों के दिमाग से छेड़छाड़ का नतीजा है। मोदी लहर ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। मोदी का जादू देश पर एक बार फिर ऐसा चला कि अन्य पार्टियों का सूपड़ा ही साफ हो गया है। बीजेपी ने इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए विपक्षियों को एक बार फिर दिखा दिया है कि देश में मोदी लहर अभी भी कायम है। प्रचंड जीत दर्ज करते ही जहाँ एक ओर बीजेपी के लिए बधाइयों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वाले भी कम नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की जीत के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि इस बार ईवीएम में हेराफेरी नहीं हुई है, बल्कि हेराफेरी हिंदुओं के दिमाग में की गई है। पीएम ईवीएम की रिगिंग नहीं हुई है, हिंदू माइंड की रिगिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाए तो 100% सही निकलेंगी। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता दिखाकर वीवीपैट पर्चियों का मिलान करना चाहिए। ओबीसी ने मोदी की प्रचंड जीत के पीछे के कारणों को बयान करते हुए कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद को भुनाया और चुनाव के दौरान हिंदुत्व कार्ड खेला। मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि वीवीपैट सिर्फ 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ना हो बल्कि 100% हो, ये मेरा मानना है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर भगवंत राव को भारी बहुमत से हराया। ओवैसी को 5,17,239 वोट मिले, जबकि डॉक्टर भगवंत राव 2,35,056 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। इससे पहले 2014 के आम चुनाव में भी ओवैसी ने इसी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर बाकी जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने अकेले दम पर ही 300 का आंकड़ा पार किया, जबकि एनडीए 350 के आंकड़े को छूने में सफल रही। जबकि 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 543 सीटों में से 282 सीटें जीती थी। 2019 में एनडीए 2014 की 336 सीटों के मुकाबले 350 सीटों पर काबिज होता दिख रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने 300 का आंकड़ा छुआ है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।